ओडिशा में द हेल्पिंग हैंड एंड ट्रस्ट के सदस्यों ने पुलिस और सेना के जवानों में फेस शील्ड, मास्क और दस्ताने वितरित किए। ट्रस्ट के चेयरमैन महबूब मुस्तफा बट ने कहा कि महामारी के दौरान उनके द्वारा लोगों की मदद की जा रही है, जो आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। उन्होंने सेना और पुलिस द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की। पहले यही हमारे अभी जो देखा जाए तो फ्रंटियर यही है जो सबसे पहले किसी भी पब्लिक के सामने आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि गुंडों में नाका या आर्मी कैंप या बाकी चीज़ें पहले आ रही हैं रास्ते में। पहला तो आज के दिन हमारे उनके साथ ही था, ताकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये महामारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और मुझे लगता है कि दिन ब दिन अगर हम टेस्ट कराते देखें तो सारे लोग इन्वॉल्व कहीं ना कहीं हैं, 50% तो इन्वॉल्वमेंट होगी होगी। इसलिए हमने कोशिश रखी कि पहले ये लोग आमना सामना लोगों के साथ इनका होता है, तो पहले कोशिश की कि ये बच जाएं या ये थोड़ा सा अपने आप को एहतियात रखें, तो हमने थोड़ी सी सपोर्ट अपनी तरफ से कोशिश की कि इनको दें। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा बाज़ार खुलेगा या कहीं होगा, फिर हम वहाँ भी करेंगे। जिस तरीके से कोशिश होगी अपनी तरफ से हम मदद करेंगे पूरा, कि जो SOPs हैं या बाकी चीज़ें उनको फॉलो लोग करें। मांडीपुरा के शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में महीने भर चलने वाले युवा खेल महोत्सव की आज शुरुआत की गई। महोत्सव का आयोजन जिला पुलिस मांडीपुरा द्वारा अली स्पोर्ट्स